वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो गाइस, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करके हम जो वैल्यूज हैं उनको आपस में जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 8 जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो पहले 4 हैं वो यहाँ पे देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे अगले 4 हैं वो हम वहाँ पे डिटेल्स के अंदर जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रेटर देन, उसके बाद है लेस देन, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास है इक्वालिटी इक्वल टू जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास है ट्रिपल इक्वल जिसको कि हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास है नॉट डबल इक्वल जिसको कि हम स्ट्रिक्ट नॉन इक्वालिटी जो है वो बोलते हैं। तो इस वीडियो में जो है वो हम पहले 4 देखेंगे और जो अगले 4 है वो हम आगे जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर जो है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ कंसोल के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। तो यहाँ पे हम पहले हमारे पहले 4 ऑपरेटर है वो यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। सो जो ये ऑपरेटर्स हैं जब हम इनको यूज करेंगे तो इनका जो रिजल्ट होगा वो हमें बुलियन की फॉर्म में मिलेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स की शक्ल में जो है वो मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 56 इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें आंसर मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है बुलियन की फॉर्म में, क्योंकि जो 56 है वो ग्रेटर देन जो है वो 20 है। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 53 में यहाँ पे लिखूंगा तो तब भी जो है वो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा, क्योंकि जो 53 है वो ग्रेटर देन जो है वो 20 है। इसी तरह मैं देखा चाहता हूँ कि क्या लेस देन है तो नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लेस देन का ऑपरेटर जो है वो यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा 53 इज लेस देन 20, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो फॉल्स रिटर्न हो गया है। इसके बाद अगर यहाँ पे जो ऊपर मैंने ग्रेटर देन का यूज किया इसको मैं दोबारा से जो है वो यूज कर लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 10 इज ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें आंसर मिल रहा है वो फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो ग्रेटर देन 20 नहीं है। इसके बाद जो है वो दोबारा से जो लेस देन का साइन है वो हम यूज कर लेते हैं। तो लेस देन के अंदर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 120, मैं यहाँ पे जो वो लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो ट्रू मिल रहा है, क्योंकि जो 53 है वो लेस देन 120 है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100, मैं यहाँ पे लिख लूंगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि जो 100 है वो लेस देन 10 नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सबसे पहले हम ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 100 इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20, तो यहाँ पे अभी हमें जो है वो आंसर जो है वो ट्रू मिल रहा है, क्योंकि जो 100 है वो ग्रेटर देन 20 है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे जो 100 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तो नहीं है, ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 100 है वो 100 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो ट्रू मिल रहा है। सो जब हम यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ पे दो कंडीशंस मैनिपुलेट होंगे, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तब भी हमें ट्रू मिलेगा, अगर इक्वल है तो तब भी हमें यहाँ पे जो है वो ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर आप जब मैं किया था 100 ग्रेटर देन 20 तो यहाँ पे हमें तब भी ट्रू मिला था, और यहाँ पे जो नीचे हमने किया था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे जो 100 है वो 100 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे जो है वो इक्वल है, तो तब भी हमें यहाँ पे जो है वो ट्रू मिला है। इसके बाद जो है वो हमारा है लेस देन इक्वल टू, तो वो भी जो है वो हम कर लेते। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ 120 इज लेस देन इक्वल टू 100, मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि जो 120 है वो लेस देन इक्वल टू 100 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 120 जो है मैं लिख लेता हूँ 120 इज लेस देन इक्वल टू 120, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो वो ट्रू मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी जो वो दो कंडीशन चेक हो रही है। सबसे पहले चेक हो रहा है कि क्या लेस देन है, अगर लेस देन नहीं है तो उसके बाद चेक हो रहा है कि क्या ये इक्वल है। तो यहाँ पे 120 और जो 120 है वापस में इक्वल है, तो यहाँ पे जो कंडीशन थी इक्वल वाली वो ट्रू हो गई, तो हमें यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे जो है वो ट्रू की फॉर्म में जो है वो मिल रहा है। सो ये जो ऑपरेटर्स है कंपैरिजन ऑपरेटर, जब हम आगे देखेंगे कि हम लॉजिक किस तरीके से बनाते हैं जब हमें कंडीशन चेक करनी होती है डिफरेंट कंडीशन, तो तब वहां पे जो है वो हम यूज करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में जो है वो 4 ऑपरेटर्स देखे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो बाकी 4 रह गए वो हम आगे आने वाली वीडियो में जो है वो देखेंगे डिटेल के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।